हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, पूरा कंप्लीट सिस्टम है। कंट्रोलर भी लगाकर, तार भी लगाकर, बैटरी लगाकर, इन्वर्टर लगाकर, सोलर सिस्टम, सोलर पैनल लगाकर, सारा कुछ कंप्लीट है। तो आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। जो लोग दुकान पर रहते हैं, दुकान पर लगाना चाहते हैं, दुकान पर भी लगा सकते हैं। जो लोग खेत में रहते हैं, फार्म पे भी लगा सकते हैं। जो लोग गांव, बस्ती, शहर में रहते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। इसमें लाइट को आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका लोड इसके मतलब का है, तो आप आराम से बिना लाइट के कनेक्शन कराए हुए चला सकते हो। तो फटाफट हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि आज के सेटअप में किस चीज़ का क्या प्राइस है, कितने एम्पीयर का क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ये सामान मुझसे नहीं ले पाओगे या नहीं मिल पाएगा, तो आप अपने इलाके से खरीदोगे तो आपको उस चीज़ के बारे में टोटल नॉलेज होगी कि कौन सी चीज़ क्या रेट है और कौन सी चीज़ कितने एम्पीयर की और कितने वाट की लगाना चाहिए, ताकि हमारा सिस्टम सोलर सिस्टम फेल ना हो। बहुत सी जगह सोलर सिस्टम फेल हो जाता है, सोलर पैनल काम नहीं करता है, सोलर सिस्टम दिक्कत करता है। तो आपके यहाँ दिक्कत ना करे, बहुत सारे नॉलेज कम होने की वजह से जो है वो दिक्कत करता है। तो आज हमारे पास पूरा कंप्लीट सिस्टम है, हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये जो है कापी पेन लेकर बैठना है, अगर आपको ये इस कंपनी का सिस्टम कहीं पर भी ना मिले, तो आप जितने मैं बाट के सिस्टम बता रहा हूँ, जैसे बैटरी कितने एम्पीयर की, पैनल, कंट्रोलर, इन्वर्टर, तो वो सारी चीज़ें आप ले लेना और किसी कंपनी की अपने हिसाब से बना लेना, लेकिन सिस्टम और यही होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना और नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बहुत सारी गर्मी के टाइम में वीडियोज़ देखने के लिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है मेरी इन्वर्टर बैटरी की शॉप है, जो भी नॉलेज होती है आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से देता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारी आप लोगों को जानकारी मिलेगी जो आपको आज से पहले नहीं पता था, या फिर जो आपको मतलब खरीदने वालों उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज जो हमने पैनल है वो ये पैनल है, इस बॉक्स से निकाला है। ये बैटरी है, ये इस बॉक्स से निकाली है। ठीक है, ये बैटरी और ये इन्वर्टर ये इस बॉक्स से निकाला है। ठीक है, आप लोग देखते रहिए। और हमारा जो सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है मसीमो कंपनी का है, बैटरी जो है वो लीडर कंपनी की है, इन्वर्टर माइक्रोटेक कंपनी का है, और सोलर पैनल प्लाजा कंपनी का है। दोस्तों, ये सारा सेटअप मैंने इसलिए लगाया ताकि बैटरी की अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो आपको जो है होम सर्विस मिल जाए। बैटरी में कोई फॉल्ट होगा तो आपके घर पर बंदा जाएगा, 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट है और 2 साल की वारंटी है। वारंटी में कोई फायदा नहीं दोस्तों, ठीक है, बैटरी के मामले में। तो 3 साल तक अगर कोई भी फॉल्ट आता है, ऑल इंडिया आपको जो है सर्विस मिलेगी और बहुत अच्छी बैटरी है। दोस्तों, अगर हम इसके एम्पियर की बात करें तो 85 AH की बैटरी है, C20 बैटरी है, मतलब जो है। और इसका टोल फ्री नंबर ये है, इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेंट करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये 85 AH की बैटरी है। साइड से अगर हम इसकी बॉडी की बात करें दोस्तों, तो बहुत अच्छी है। और ये जो अगर हम इसके साइज की बात करें तो ट्रैक्टर वाली जो बैटरी है, मैं आपको एक बार बॉक्स इसका जो है एकदम ट्रैक्टर वाली का बैटरी का खाली बॉक्स दोस्तों, ये 100 AH की लिफास्ट की ट्रैक्टर वाली बैटरी है। अगर हम इसके साइज से कंपेयर करें, आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर ये साइज है दोस्तों। ठीक है, ये बैटरी होती है इतनी और ये बॉक्स के बराबर, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। जो ट्रक वाली 150 AH की बैटरी होती है, सेम टू सेम उसी साइज में आप इसकी डाटे खोल के इस यहाँ पर जो है वो बैटर वगैरह चेक कर सकते हो आराम से। और इसके साथ में दोस्तों एक जो है पूरा सिस्टम मिलता है, गारंटी कार्ड वगैरह, और इसमें लगाने के लिए डाटे वगैरह सब कुछ मिलती है। तो आप इसको खोल के आप आराम से इसको लगा सकते हो, ताकि आपको वाटर जो भी दिक्कत ना हो, ठीक है, वाटर डालने में या वाटर पूरा करने में। इसका जो है थोड़ी सी चार्जिंग होने के बाद, 1-2 दिन चार्जिंग होने के बाद डिस्ट्री बैटरी पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना आए घर आके। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल नट होते हैं और ये टर्मिनल जेली होती है, जो कि इसमें लगाने से कार्बन नहीं आता है। अब बैटरी की कीमत अगर हम दोस्तों बात करें तो 7,000 रुपये की बैटरी है। दोस्तों, 7,000 रुपये की बैटरी इसलिए है, अगर आप कबाड़े में बेचते हो तो 3,000 रुपये से 3,200 रुपये की ये स्क्रैप में 3 साल की फुल रिप्लेसमेंट है। इस पर आप इन्वर्टर लगाकर आपके घर पर जो LCD वगैरह है, या फिर AC वाला फ़ैन है, या फिर बल्ब वगैरह, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, प्रिंटर वगैरह, दुकान पर कई LED बल्ब आराम से चला सकते हो। बहुत अच्छा बैकअप है, 200 वाट लोड इसका 1.5 घंटे से प्लस बैकअप है, 1.5 से 2 घंटे अच्छी बैटरी है। 7,000 रुपये कीमत है, 3 साल की रिप्लेसमेंट है, होम सर्विस है बैटरी, तो आप लोग जान गए। ठीक है, अगर आपको लीडर कंपनी की ना मिले तो आप ओकाया कंपनी की ले सकते हो, मसीमो कंपनी की ले सकते हो, एक्साइड कंपनी की ले सकते हो, बहुत सारी कंपनी आती है, अपने हिसाब से ले सकते हो। फिलहाल इतने ही एम्पीयर की लेना है, 75, 80 या 85। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों, हमारे पास वैसे तो अमेज कंपनी का भी है, लुमिनस कंपनी का भी है, UTL का भी है, ईस्टमैन का भी है, लिफास्ट का, लेकिन हमने जो है वो माइक्रोटेक कंपनी का लगाया। जैसे कि अगर ये बैटरी आपने लगाई, उसके बाद आप बड़ी 150 या फिर 200 AH की बैटरी लगाते हो, तो ये इन्वर्टर आपका फेल नहीं होगा। सुपर पावर 812 वोल्ट डिजिटल ऑन ऑफ का ये स्विच है। इसका कनेक्शन की अगर हम बात करें, बहुत आसान कनेक्शन है,
यहाँ पर एक तार जो है वो ब्लैक है, एक तार जो है वो रेड है। यहाँ पर ब्लैक वाला जो है वो माइनस है, रेड वाला प्लस है, आप आराम से लगा सकते हो। अगर आपके पास लाइट कनेक्शन है, लाइट की सुविधा है, तो ये प्लग जो है वो लाइट में लगेगा और जो हम इन्वर्टर से लोड चलाएंगे वो आउटपुट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आउटपुट और यहाँ इनपुट, यहाँ बैटरी का माइनस, यहाँ बैटरी का प्लस। उसके बाद दोस्तों दो स्विच होते हैं, इसकी सेटिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरह से पेन की सहायता से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये वाला जो चार्जिंग वाला पॉइंट है इसको ऊपर करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको दोबारा कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना। दोस्तों अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो हमने लगाया है 4,200 रुपये का इन्वर्टर लगाया है, 2 साल की फुल रिप्लेसमेंट है, होम सर्विस है, रिप्लेसमेंट नहीं मतलब रिपेयरिंग है, होम सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी दसियों साल आपको, ठीक है, 24 महीने की इसकी वारंटी आती है। ये अगर हम लोड कैपेसिटी की बात करें तो ये हमारा फैन 50 वाट का है, तो ये जो है आराम से 10 फैन चला सकता है, यानी 500 वाट। या फिर मोटर अगर आपकी नई है तो वो भी आप इससे चला सकते हो आराम से, बैटरी से आप चलाना मत क्योंकि बैटरी के ऊपर भी दिक्कत होती है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ये पैनल नहीं लेना चाहते हो, इन्वर्टर बैटरी लेना चाहते हो, तो 4,000 रुपये का हम इन्वर्टर मान लेते हैं, 7,000 रुपये की बैटरी, तो 11,000 रुपये की इन्वर्टर और बैटरी का कम खर्च में सिस्टम बन गया अगर आप पैनल नहीं लेना चाहते। अब हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल के बारे में दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों है प्लाजा कंपनी का सोलर, आ पार्ट ऑफ प्लाजा केबल, बहुत सारे आइटम आते हैं इस प्लाजा कंपनी के, सोलर पीबी मॉडल, ग्लास साइड, उसके बाद दोस्तों प्लाजा पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों हम इसको साइड कर देते हैं और पैनल को उठा लेते हैं। दोस्तों अगर हम पैनल की वाट की बात करें तो यहाँ पर पैनल जो है वो 170 वाट का है, 170 वाट का मेड इन इंडिया 2022-2023 का नया पैनल है, बहुत अच्छे में है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हम पैनल की बात करें तो हमने लगाया है 5,500 रुपये, तो दोस्तों हमारा 11,000 रुपये का इन्वर्टर बैटरी बन गया और 5,500 रुपये का जो है वो पैनल हो गया, तो 16,500 रुपये, और जो कंट्रोलर है वो 500 रुपये का है 10 एम्पीयर का। दोस्तों यहाँ पर है इसकी जो है वो 1 साल की यानी 12 महीने की वारंटी है, और कोई भी फॉल्ट होता है तो 12 महीने तक आपको इसको चेंज हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी, 10 एम्पियर का है और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 महीने, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर इसके कसने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है, यूएसबी केबल भी लग जाएगी इसके साथ दोस्तों, ठीक है। तो ये सारा सेटअप, सारा सिस्टम आप लोगों को कॉम्बो में 16,500 और 517,000 रुपये का कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं, ये प्लाजा सोलर अगर ना मिले तो लुमिनस का ले लेना, एक्साइड का ले लेना, कोई भी ब्रांड आप अपने हिसाब से लेना, लेकिन 160 या 165 या 170 वाट का ही लेना। दोस्तों अगर आपको माइक्रोटेक इन्वर्टर ना मिले तो आप अमेज का 700 या 800 ले लेना, या माइक्रोटेक का 900 या 1100 ले लेना, सिस्टम यही होना चाहिए, आपका फर्स्ट क्लास काम करेगा, A to Z कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार हमारी शॉप की तरफ से मदार बैटरी एंड सोलर शॉप पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की तरफ से एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द आप लोग के साथ। जय हिंद दोस्तों।